हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम बात करने वाले हैं आज जोमेटो से रिलेटेड। जोमेटो में अगर आप देखें तो 169 का एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया उसने। अगर हम बात करें तो लगभग 70-80 रुपीज में यहाँ पर ये लिस्ट हुआ था, सॉरी ये आया था, तो मुझे भी यहाँ पर ये मिला था। उसके बाद इसने पैसे को उसी दिन लगभग 129-130 तक ये गया था और अच्छे खासे पैसे आपके बनते हुए दिखाई दिए थे। 70-80% 90% का रिटर्न मिला था। जिसने बेच दिया, मैंने यहाँ पर उसी दिन बेच दिया था या एक दिन बाद बेचा था आई थिंक। तो यहाँ पर उसके बाद ये शेयर और भागा, 170 तक जाता हुआ दिखाई दिया, 169 समथिंग। और उसके बाद लगातार गिरावट है, जैसे कि यहाँ पर हम देखे पेटीएम में गिरावट हुई, इसी तरीके से कार ट्रेड में गिरावट हुई, इसी तरीके से पॉलिसी बाजार में गिरावट हुई, इसी तरीके से हम बात करें तो जितने भी यहाँ पर अभी ये स्टॉक्स आए थे सबने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद गिरते नजर आए। अगर हम बात करें ओवरऑल स्टॉक्स की, न्यू एज स्टॉक्स की या फिर जो अभी मार्केट में यहाँ पर लिस्ट हुए थे उन स्टॉक्स की, तो हर एक स्टॉक्स बेकार नहीं है, ओके, और हर एक स्टॉक अच्छा नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इनके वैल्यूएशन की बात करें तो इनके वैल्यूएशन पे बड़े बड़े दिग्गजों ने जो मार्केट में यहाँ पर पिछले 40 साल 50 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया, बड़े बड़े ब्रोकरेज ने, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर सबने बताया था कि ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आ सकते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल बिफोर बाइंग दोज स्टॉक्स। तो यहाँ पर सब कुछ बताया गया था, बट नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं तो उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती। कुछ गलती हमने भी करी, हमने भी कार ट्रेड यहाँ पर लिया था, कार ट्रेड में भी हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। बट याद रखिए, शेयर ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस हो जाना होता है, सबको हुआ है, सब बड़े बड़े दिग्गजों को हुआ है बस। बट याद रखिए, अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो एज वेल एज यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट नाम की दो ये चीजें होती है, इन दो चिड़ियाओं को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर इन दो चिड़ियाओं को आपने पकड़ा तो आप यहाँ पर चीजें समझते हुए नजर आते हैं कि आपको यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है। आपने पूरा पैसा तो नहीं लगा रखा, आपने यहाँ पर अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए में से आपने 50,000 80,000 90,000 40,000 ये अमाउंट तो नहीं लगा रखी उन स्टॉक्स में। अगर ऐसे अमाउंट लगा रखी है एट दैट मोमेंट आप यहाँ पर रिस्क में है। बट आपने यहाँ पर 1,00,000 रुपए है आपके पास और 1,00,000 में आपने 10,000 रुपए का भी रिस्क ले लिया, ओके, या 20,000 रुपए का रिस्क ले लिया, ये मान के चलते हैं, ये भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है रिस्क लेना पर 1,00,000 के कॉर्पस में, बट स्टिल आपने इतना रिस्क ले लिया, फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास 80,000 ऐसे स्टॉक्स में लगे हुए जो ये इसको तो कवर करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी ऊपर लेके जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बिहेव करना होगा। अब बात करते हैं जोमेटो की, जोमेटो पे आते हैं और यहाँ पर ये कहानी बताने के पीछे का रीजन यही था कि आपको चीजें समझ में आए, बट स्टिल हम जोमेटो पे आएंगे और जो हम बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, हमारे लगभग 3,00,000 व्यूज भी हो चुके हैं और बात करें 5,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स भी है, तो आप लोगों का प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, बट और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अच्छा खासा प्यार और दें, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, ओके, 1,00,000 कम से कम सब्सक्राइबर्स भी हो हमारे और धीरे धीरे होंगे वो मुझे पता है, बट स्टिल अगर आप शेयर करेंगे, आप बताएंगे अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो वो यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब आप भी करिए। अगर नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और जितने भी हैं दूसरा चैनल है नितेश कुमार उसे भी सब्सक्राइब करें। टेक्निकल भी हम यहाँ पर बताते हैं, फंडामेंटल भी बताते हैं और हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी खासी एक्यूरेसी है, हम कोई भी स्टॉक्स आँख बंद करके नहीं लेते। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो पे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो गिरावट तो हो रही थी, ओके, और ये गिरावट 80 रुपए तक आसपास चल रही थी जब यहाँ पर प्राइस आया था, बट उसके बाद 80 से ये स्टॉक्स आज की डेट में 43 रुपीज पे चल रहा है और लो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसने 40 रुपीज का लो बना दिया, लगभग 80 से सीधे 40 रुपए पे आ गया, 50% यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आ गया। तो इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है, आपने कभी सोचा है? तो इसके पीछे का रीजन सिंपल ये है कि यहाँ पर जो मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं, ओके, जो मार्केट में स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, ओके, तो कुछ ना कुछ उनका भी रीजन है यहाँ पर ये स्टॉक्स 80 से सीधे 40 रुपए आ गया, ओके, क्यों आ गया? तो सबसे पहले ब्लिंकिट की डील हुई, ओके, तो एक नेगेटिव पॉइंट्स वहां पर होता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पर ब्लिंकिट की डील हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टॉक्स के लिए, ये पर्टिकुलर जोमेटो के लिए अच्छी डील नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लिंकिट की बात करें वो भी यहाँ पर नेगेटिव में ही रिटर्न देती हुई नजर आ रही है। एज वेल एज यहाँ पर हम बात करें एक
कॉन कॉल होती हुई नजर आई थी। उस कॉन कॉल में यहाँ पर बिना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाया गया, जो इनके कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स थे उन्हें ही यहाँ पर बुलाया गया, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने शेयर ले रखे, किसी ने 5 ले रखे, किसी ने 10 ले रखे या 1 ले रखा है, उन्हें यहाँ नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी इफेक्ट पड़ा और यहाँ पर जो न्यूज आती हुई दिखाई दी, ओके, और न्यूज का गलत इफेक्ट आता है, जैसे ही गलत इफेक्ट आता है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है। तीसरी बात बताऊं तो तीसरी बात, एक इसका वन ईयर जब पर्टिकुलर एक स्टॉक्स को जाते हैं तो इसमें प्रमोटर्स और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो यहाँ पर शेयर को बेच सकते हैं। उनका एक साल का यहाँ पर टाई अप होता है सेबी के रूल्स के हिसाब से कि वो एक साल तक स्टॉक्स को बेच नहीं सकते, उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, ओके, वो चाहेंगे तो भी नहीं बेच पाएंगे। तो यहाँ पर एक साल का जो पीरियड था वो अनलॉक होने वाला था, तो इसलिए यहाँ पर शोर मचा दिया गया कि अनलॉक हो गया है, ओके, शेयर यहाँ पर एक साल का पीरियड ओवर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये शेयर और ज्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो हुआ क्या कि इस शेयर को और ज्यादा यहाँ पर गिराया गया, और ज्यादा गिराया गया, और अगर हम देखें तो 80 रुपए से यहाँ पर लगातार एक गिरावट होती हुई नजर आई और ये शेयर आज की डेट में 40 रुपए पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपको ये शेयर अभी खरीदना चाहिए, क्योंकि 40 रुपए पे आ गया, 169 रुपीज का स्टॉक्स आपको यहाँ पर 40 रुपए पे मिल रहा है, तो यहाँ पर 50% से भी ज्यादा, 60% से भी ज्यादा ये शेयर यहाँ पर अभी गिर चुका है। तो ये एक अच्छी डील है या बेकार डील है उससे रिलेटेड हम बातें करते हैं। तो अब इसका परफॉर्मेंस देखेंगे ईयरली क्वार्टरली एनुअली बेसिस पे, यहाँ पर आप जाएंगे स्क्रीनिंग पे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी यहाँ पर लगातार इसकी जो सेल्स है वो तो बढ़ रही है, बट साथ साथ जो एक्सपेंसेस इसके होते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस की बात करें डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर आप जाएंगे इसकी बैलेंस शीट पे एज वेल एज यहाँ पर आप जाएंगे इसके रिजल्ट पे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसके एक्सपेंसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो मार्जिन है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसकी वजह से इसका ईपीएस है, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट है, ये सारा का सारा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अगर ये जो नेगेटिविटी है ये इस तरीके से होती कि 500 करोड़ का लॉस पहले हुआ, उसके बाद 400 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 100 हुआ, तो हमें लगता है कि हाँ चलो कहीं ना कहीं ये शेयर आगे चल के ये डेट फ्री हो जाए, डेट फ्री तो है, ये पूरा लॉस खत्म कर देगा, उसके बाद प्रॉफिट में आ जाएगा। बट अभी हम बात करें तो यहाँ पर लॉस खत्म नहीं हो रहा, लॉस कभी 300 करोड़ आ जाता है, कभी 400 करोड़ आ जाता है, अभी पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ का यहाँ पर लॉस था कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और मार्च क्वार्टर में 360 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस था। जब इतना बड़ा लॉस देखा जाता है ना, तो उस केसेस पे यहाँ पर जो हमें दिखता है कि लगातार लॉस दिखा रही है कंपनी, तो ऐसे शेयर में हम इन्वेस्ट नहीं करते, ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोमेटो की बात करें, ये केवल एक इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है, इसे जब देखा जा रहा है इन्वेस्टिंग स्टॉक्स के हिसाब से देखा जा रहा है, तो इसलिए आप भी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये सब चीज एनालाइज करें। 1 अगस्त को इसके रिजल्ट है, 1 अगस्त को इसके रिजल्ट को एक बार देख लीजिए, जब यहाँ पर आपको लगे कि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, ओके, एट दैट मोमेंट आप यहाँ पर जा सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए रिजल्ट को देखना बहुत जरूरी है। एज वेल एज यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो FIIs ने पिछले क्वार्टर में लगभग थोड़ा सा यहाँ पर इससे 1% आधे परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। DIIs की बात करें, उन्होंने भी आधी परसेंट की हिस्सेदारी बेची है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 84% के शेयर दिखाई देता है, बट 84 में भी लगभग 60% की होल्डिंग यहाँ पर एक अच्छे हाथों में है, मोर देन 60% की होल्डिंग अच्छे हाथों में, और थोड़े बहुत शेयर ही यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल पब्लिक के पास दिखाई देते हैं, और उसमें भी सबसे बड़े शेयर होल्डर की बात करें तो इन्फोएज है। इन्फोएज आपको पता ही है, ओके, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट इन्फोएज पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं, शेयर लगातार नीचे गिरावट है, 80 रुपए से शेयर यहाँ पर लगातार यहाँ पर नीचे गिर चुका है। अगर आप यहाँ पर आज के डेट में शेयर लेते हैं, ओके, और बाई चांस अगर ये भागना शुरू करता है तो ये शेयर सीधे यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा 90 रुपीज तक, और आपके पैसे यहाँ से सीधे डबल हो जाएंगे। बट ये किस केस में होगा, अगर रिटर्न अच्छे आएंगे या फिर ऑपरेटर यहाँ पर होंगे। अगर मैं आज के वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग 41 करोड़ शेयर यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर बाइंग हुए, तो इस चीज को भी सोच रहे हैं, और 41 करोड़ शेयर ही यहाँ पर कल की डेट में सेल भी हुए थे। तो इसने आज का जो लो बनाया ना 40 रुपए का, ये लो काफी इंपॉर्टेंट लो है। अगर इसने इस सपोर्ट को जो इसका आज का लो है इसे तोड़ दिया, तो याद रखिए शेयर और ज्यादा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आएगा। और अगर हम टेक्निकल के बेसिस पर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका एक रेजिस्टेंस नजर आता है, वो कितने पे नजर आता है एग्जैक्ट, तो वो भी बता देता हूँ। तो इसका जो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नजर आता है वो 50 रुपए 30 पैसे का है, ओके, अगर 50 रुपए 30 पैसे को यहाँ पर क्रॉस करता है
विद कंफर्मेशन, तो ये शेयर यहाँ पर 80 रुपए तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, 75-80 रुपीज तक जाने की कोशिश करेगा, और भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आपको इतना रिस्क लेना जरूरी है, क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें तो मार्केट में 5000 शेयर से ज्यादा यहाँ पर लिस्ट है, और अच्छे शेयरों की बात करें तो भी यहाँ पर लगभग आपको निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, यहाँ पर अगर बात करें स्मॉल कैप मिड कैप में, इतने अच्छे अच्छे शेयर मिल जाएंगे कि आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं वहां पर तो और अच्छी कंपनी को ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पर रिटर्न बनने के चांसेस कम है। ऑपरेटर के गेम ज्यादा होगा, बट वहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वो स्टॉक्स हम यहाँ पर डेली बेसिस पे बताते भी रहते हैं, तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर एटलीस्ट रिस्क नहीं ले रहा, और ऐसी कंपनी में तब तक इन्वेस्ट मत करो जब तक एक और दो क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ जाते। दो क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, दिखने लग जाए कि हाँ कंपनी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, ओके, एट दैट मोमेंट आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, और अच्छा खासा पैसा उस टाइम यहाँ पर आपका बनता हुआ नजर आ सकता है। बट अभी ना तो यहाँ पर अब बेचने वाला बना है ये शेयर, और ना ही खरीदने वाला बना है, तो अभी यहाँ पर न्यूट्रल रहिए, कोई यहाँ पर पोजिशन मत लीजिए, रिजल्ट को देखिए, 1 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाएगा। जैसे कि अगर हम आज की बात करें, आज लगभग 5-5.5% ये शेयर भागा है, ओके, हो सकता है कल भी ये इस तरीके से भागता हुआ नजर आए, तो इसके पीछे का रीजन होगा कि 1 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, शेयर ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है, ओके, काफी लोगों ने यहाँ पर अगर बात करें 4 करोड़ शेयर ने यहाँ पर 41 करोड़ शेयर यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर बाइंग हुई है, किसी ना किसी बिग शॉट ने खरीदी होगी, तो वो यहाँ पर उसे खरीद ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले के दोबारा यहाँ पर बेच देगा, आप फिर ऊपर के लेवल पे फंस जाएंगे। तो ये पूरा गेम प्लान होता है ऑपरेटर्स का, तो इसे समझने की भी कोशिश करिएगा, और इस तरीके के जंजाल से थोड़ा सा दूर रहिए, अच्छे शेयरों में पैसा लगाइए, क्योंकि मेहनत की कमाई है आपकी भी, और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, कोई क्वेरीज हो कमेंट कर दीजिएगा, जितना हो सके प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।